हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एमिट्स रेडिएशन ऑफ द लोएस्ट वेवलेंथ। चार ऑप्शंस आपको गिवेन है, कह रहे हैं कि ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। ये आपकी N1 है, ये आपकी N2 है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ट्रांजिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एमिट्स, मतलब एमिट कर रहा है यानी कि रेडिएट, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन N2 में होगा और n, मतलब N2 से N1 में आ रहा होगा, ठीक है। अब N2 और N1 में पता करने हैं कि ये क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सो एनर्जी रेडिएशन जो एमिट हो रही है, इस एनर्जी की जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो लोएस्ट होनी चाहिए। ये जो सर्टेन एनर्जी है इसकी वेवलेंथ लोएस्ट होनी चाहिए। अब हमें क्या पता है कि आपका जो EN होता है, EN होता है, एक एक ही एटम की बात करती हूँ तो उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, -2.18 × 10⁻¹⁸ इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल होती है, ठीक है। ये एक एटम के लिए एनर्जी की वैल्यू है कि वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में है, nth ऑर्बिट में है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से N1 - N2 करके देखूं, ठीक है, ये 1 ले लिया तो ये हो जाएगा -2.18 × 10⁻¹⁸ इंटू जेड स्क्वायर। एंड E2 क्या हो जाएगा इस केस में, -2.18 × 10⁻¹⁸ इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 4, यही हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर मैं इसको इनिशियल फाइनल कर लेती हूँ, ठीक है, एन लोअर एन हायर कर लेती हूँ, ठीक है, ये कर लेती हूँ, 1 2 नहीं करके लोअर हायर कर लेती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। एन लोअर एन हायर, लोअर वैल्यू मतलब N1 हमेशा लोअर रहेगा, N2 हायर रहेगा, N3 N4 में N3 लोअर रहेगा, N4 हायर रहेगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा लोअर स्क्वायर, ये हो जाएगा हायर स्क्वायर, ठीक है। सो हायर से लोअर में जा रहा है यानी कि EH - EL करोगे, सो EH - EL करोगे तो -2.18 × 10⁻¹⁸ × z² / h² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2.18 × 10⁻¹⁸ × z² / lower² यहां से कुछ वैल्यूज कॉमन निकल सकती हैं। इसको मैं डेल्टा एच बोल देती हूँ, डेल्टा ई बोल देती हूँ, यहां से 2.18 कॉमन निकल जाएगा, 2.18 × 10⁻¹⁸ × z² ये कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 / L² - 1 / H² ये बचेगा, ठीक है। अब डेल्टा ई जो होता है दैट इज इक्वल्स टू HC/λ, ये होता है प्लैंक्स क्वांटम के, प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अगर हमें वेवलेंथ क्या चाहिए, लोएस्ट वेवलेंथ चाहिए, अगर ये वैल्यू लोएस्ट चाहिए तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। वेवलेंथ और एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, HC/λ। अगर वेवलेंथ अगर लोएस्ट हो तो इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी गैप ज्यादा होगा। अब एनर्जी गैप किस पे डिपेंड कर रहा है, एल वैल्यू एंड एच वैल्यू पे। तो एल वैल्यू और एच वैल्यू जो है, अगर इनका में गैप ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये जो ब्रैकेट की वैल्यू ये भी मैक्सिमम आएगी, तो उस केस में वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। अब देखो फर्स्ट में देखो, N2 क्या है आपका, N हायर इन्फिनिटी है, N2 N1 आपका 2 है, गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इन्फिनिटी से 2 में आ रहा है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में 4 से 3 में आ रहा है, यहाँ पर 2 से 1 में आ रहा है, यहाँ से 5 से 3 में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो गैप है वो सबसे ज्यादा है, एनर्जी गैप सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ सबसे छोटी होगी, सो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।